जो डिस्ट्रिक्ट फेयर यहाँ पे समर्पण स्कूल में चल रहा है उसमें जो सेलेक्टर हैं, जो जज हैं, उनके साथ में खड़ा हूँ, भरत भाई, जयसुख भाई और अर्जुन भाई। तो सर आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चे भी और जो मार्गदर्शक हैं कि किन बातों का ध्यान रखें मॉडल्स को बनाते हुए, आप लोग क्या चीज़ों को देख रहे हैं, नज़र आपके हैं, तो कृपया ये सब बताइए। सबको मार्गदर्शक भी ध्यान में रखेंगे और बच्चे भी ध्यान में रखेंगे कि वो किन बातों का ध्यान रखना है साइंस फेयर में जो मॉडल अगले लेके आए। मॉडल ऐसा होना चाहिए कि उसमें कुछ इनोवेशन नया होना चाहिए। पहले से जो विज्ञान के सिद्धांत बने हुए हैं उसमें उस सिद्धांत में कुछ नयापन, अपना नयापन उसमें डाल के प्रोजेक्ट को स्टूडेंट बनाए, बराबर। और दूसरी बात कि वो मॉडल उसने बनाया है, वो मॉडल पूरे जन समाज को कितना उपयोगी लगेगा, वो बात भी ध्यान रखें। और तीसरी बात कि वो उस मॉडल का एप्लीकेशन सीधा पूरा दैनिक जीवन से जुड़ा होना, दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। और एप्लीकेशन पूरा हम कैसे कर सकते हैं कि भाई एक मॉडल उसने बनाया तो अगर वो उसको गवर्नमेंट बड़े लेवल पे लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, ऐसा मॉडल होना चाहिए। इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे सर आप? वो सिद्धांत एक्सपेरिमेंट जो बना गए वो ऐसा बनाना चाहिए कि उसमें जो सब आ जाना चाहिए, साइंस का जब जो सिद्धांत है उसका कैसे बनाया, क्या क्या उसमें यूज किया, वो सब ध्यान से बनाना चाहिए। कैसा आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना चाहिए सारे जन समाज को, और बच्चे का अपना आइडिया जितना ज़्यादा होता है वही सही है। अगर किसी जगह से उठा लिया और फिर यहाँ प्रेजेंटेशन दिया तो वो सही नहीं, अगर दिए तो भी कोई बात नहीं, फिर भी उसमें अपना आइडिया, अपना लॉजिक ऐसा होना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सबको फायदा हो। आप टाटा में से, मैंने सुना है कि आपकी जो टाटा का जो प्लांट है वो भी इसी आइडिया से, इसी फेयर में, साइंस फेयर में से मॉडल। वो ट्रैक्टर का प्रोजेक्ट है सर, ट्रैक्टर जो बना दें खेती में वो इसी विज्ञान जो साइंस फेयर है ना उसी का परिणाम। तो नेक्स्ट में जानना चाहता हूँ कि जो साइंस फेयर होते हैं स्कूल लेवल पर, सीआरसी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो उनका ये जजों का पैनल तैयार किया जाता है उसका क्या आधार है, कैसे चुने जाते हैं, इस पर आप थोड़ा सा बता दें। आज जो जज होते हैं वो सीनियर साइंस के टीचर होते हैं और साल में जो ये फेयर होते हैं वो फेयर में हिस्सा भी लेते हैं और कई साल का उसका एक्सपीरियंस होता है ऐसी बातों का, उस आधार पे उस जज को यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल GCRT और हमारा डायट जो ये आयोजन करता है तो वो सीनियर और अनुभवी टीचर साइंस के होते हैं जो बच्चों को सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल के पढ़ाते हैं, उस शिक्षक को चुनते हैं जज के लिए, जिस आधार पर चुनते हैं इसके लिए कि कोई बच्चे को कोई अन्याय ना हो और सही जो विचार अपना यहाँ गया है वही अगर स्टेट लेवल पर जाए, ऐसे जज तटस्थ और कोई भेदभाव ना हो ऐसे जज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुने जाए। ठीक है सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।